आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से अपने कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन को इजीली रूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Redmi Note 8 है मेरे पास और इसे कैसे आप रूट कर सकते हैं वही मैं इस वीडियो में बताऊं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा डिवाइस है, यहाँ पे रूट जो है वो नहीं है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। तो रूट करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पीसी से कर सकते हैं या TWRP से। तो हम पीसी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, TWRP या कोई भी रिकवरी के थ्रू आप इजीली रूट कर सकते हैं। फिलहाल हम TWRP को यूज करेंगे। और एक फाइल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आपको डाउनलोड करना है। इसका नाम है मैजिक्स मैनेजर। ऐसे तो आपको रूट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट होता है वो होता है मैजिक्स मैनेजर। मैजिक्स मैनेजर में आपको क्या होता है कि जब भी आप रूट करेंगे तो आपका जो सिस्टम पार्टीशन है उसके साथ वो छेड़खानी नहीं करता और इजीली उसे रूट कर देता है आपके डिवाइस को। इसका एक चीज का फायदा आपको ये होता है कि आपको रूट करने के बाद भी OTA अपडेट, यानी कि मान लीजिए आपका भी MIUI 11 चल रहा है या आपका कोई भी एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है, तो आपको OTA अपडेट मिलेगा, मतलब कि उसका अपग्रेड वर्जन मिल जाएगा। चाहे वो MIUI 12 हो या Android 10, आपको OTA अपडेट मिलते रहेगा, यहाँ तक कि सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा उसी के साथ। और उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था TWRP से रिलेटेड कि अगर आपका TW या कोई भी रिकवरी डिक्रिप्टिंग पासवर्ड मांग रहा है तो उसे आप कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि फोन का पासवर्ड या पिन है उसे टाइप करना है, तो इस वीडियो में वही चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ही के सामने यहाँ पे एक पासवर्ड मैं जनरेट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग पे आने के बाद एक बार लॉक करके दिखा देते जो मेरा पासवर्ड है वो कौन सा है। यहाँ पे लॉक किए, उसके बाद यहाँ पे अनलॉक किए, यहाँ पे 2299 जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं चेंज कर देने लगा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड और सिक्योरिटी पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पासवर्ड ऑन है मेरा। अब पासवर्ड सबसे पहले जो पुराना है उसे टाइप कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे टर्न ऑफ है या चेंज स्क्रीन लॉक। यहाँ पे पिन पैटर्न पासवर्ड, तो मैंने कहा था कि पैटर्न वर्क नहीं करेगा, तो पिन एक बार ट्राई मारते हैं फिर से एक नया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 75369 कंटिन्यू 75369 ओके यहाँ पे सेट हो चुका है। एक बार मैं अनलॉक करके दिखा देता हूँ। स्वाइप अप 75639 यहाँ पे मेरा डिवाइस जो है अनलॉक हो गया है। इसी के थ्रू मैं अभी TWRP का डाटा को भी डिक्रिप्ट करूँगा। तो देखिए सबसे पहले डिवाइस का पावर ऑफ, उसके बाद आपको यहाँ पे पावर ऑफ करने के बाद 1 से 2 मिनट इंतजार करना है। उसके बाद वॉल्यूम अप, उसके बाद पावर बटन। जैसे आप वॉल्यूम अप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपका डिवाइस का लॉगो आएगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका डिवाइस का लॉगो आएगा आपको बटन को रिलीज कर देना है पावर बटन का। उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, TWRP का लॉगो आएगा, उसके बाद सभी बटन को रिलीज कर दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड मारा था वही मैं आपको दिखाऊंगा, 75369 यहाँ पे हिट इंटर 75369। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जैसे ही मैं टैप कर देता हूँ, देखिए अब ये जो डेटा है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना, अभी इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो मेरा अपडेट है पार्टीशन है यहाँ पे डन लिखा गया और ये अनलॉक हो गया है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो आप अपना कोई भी एक रैंडम सा कोड दीजिए, पासवर्ड या पिन दीजिए, पैटर्न मत दीजिए क्योंकि यहाँ पे पैटर्न सपोर्ट नहीं करता है। और मैं वही पिन या पासवर्ड से TW के पासवर्ड में डिक्रिप्ट करूँगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है बैकअप में। बैकअप में यहाँ पे सभी चीज़ें आप सिलेक्ट कर लीजिए और आपका डिवाइस का बैकअप ले लीजिए फॉर सेफ्टी। उसके बाद होम पे आइए, यहाँ पे इंस्टॉल पे आइए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टोरेज मिलेगा। स्टोरेज पे आने के बाद यहाँ पे microSD USB इंटरनल, तो आपने जहाँ भी मैजिक्स मैनेजर का फाइल रखा है उसे आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था जैसे कि यहाँ पे मैजिक्स मैनेजर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको स्वाइप टू कंफर्म कर देना है जिससे आपका डिवाइस रूट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैजिक्स मैनेजर जो है हमारा इंस्टॉल होने वाला है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा डिवाइस है सक्सेसफुली मैजिक्स मैनेजर इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे डन लिखा गया है। अब सिंपली यहाँ पे रिबूट सिस्टम कर देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है रूट हुआ है या नहीं। रूट करने के बाद रिबूट होने में थोड़ा सा हो सके आपको टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना है, घबराना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्वाइप अप, और जैसे कि मैंने TWRP रिकवरी को डिक्रिप्ट करने के लिए जो पासवर्ड मारा था वही मैं मार देता हूँ, यहाँ पे 75369 जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जो मेरा पासवर्ड से है अनलॉक भी हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा डिवाइस जो रूट हुआ है या नहीं।
और साथ ही साथ जो मैजिक्स मैनेजर है वो आया है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं जो मैजिक्स मैनेजर है, ये मैजिक्स मैनेजर हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे रूट चेकर से यहाँ पे रूट चेक कर लेते हैं कि हमारा डिवाइस जो रूट हुआ है या नहीं। यहाँ पे वेरीफाई रूट और यहाँ पे इंस्टॉलिंग ऑन दिस डिवाइस, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पे ग्रांट मांग रहा है तो इसे भी दे देते हैं ग्रांट, मतलब जो परमिशन है। और अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है लिखा गया है कॉन्ग्रेचुलेशन रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉलेड ऑन दिस डिवाइस। और मैजिक्स मैनेजर में आके यहाँ पे आप देख लेते हैं, हाँ हमारा जो मैजिक्स मैनेजर है ऑलरेडी अप टू डेट है। और अगर आपका यहाँ पे कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आगे इसी तरह के टेक रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को भी सेलेक्ट कर दीजिए मेरे वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। थैंक यू।